हम बड़ा गांव में हैं, झांसी के बड़ा गांव क्षेत्र में, और यहाँ के लोगों ने एक बहुत ही बड़ी बात बोली है जो आपको उन्हीं के मुंह से आपको सुनवाती हूँ। तो अंकल जी आप बताओ। यदि यहाँ पे तो इसके पहले समाजवादी की पार्टी जब थी, सब्जी के पैसे नहीं देते थे, कह देते थे जब ले बे पाओ तो ले लेना, ऐसा बोलते थे। हम आदमी ना सताते थे बेटा, सपा की सरकार। हाँ, सताते ले रहे, दे नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, के चल रहे, क्या कर रहे। हाँ, अब वो नहीं हो रहा है, अब वो नहीं, अब अच्छा हो रहा, अब वो नहीं हो रहा, जो हो तो अब वो नहीं हो रहा। सबसे भाई भाई, सब बहन, सब आपस में सब मिलजुल के लहर रह रहे हैं, सब शांत है। आज अब लोगों को तो इतना आतंक था, इसकी कोई जवाब नहीं। आप क्या बता रहे थे, क्या होता था पहले सपा की सरकार के बारे में, अभी आप बता रहे थे हमको। आप जो बोला, जैसे सौदा लेना है तो बे पैसा भी नहीं देते हो, जा कहते हम दाऊ हैं, हमें जाना तो नहीं ले दे रहे पैसा, जाओ ले पाओ तो ले लीजो। अच्छा, आओ। और अब कैसे हो रहा, अब दाऊ उनको पता ही नहीं पड़ा, जो यादव है की हमारे के जो काछी है कुए सब बराबर है। अच्छा, हाँ, तो अब ऐसा नहीं है, मतलब सपा की राज में आप लोग बोल रहे हो की चरम पर थी गुंडागर्दी। आप बताओ। नहीं नहीं, आप कुछ नहीं बोल पाए, ये यहाँ के नहीं। अच्छा। बाहर की ये बात ठीक है, बस सब बराबर है। तो देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि सपा के राज में यहाँ पर गुंडागर्दी चरम पर थी, लोग सामान लेके चला जाते थे, वो कहते थे हम दाऊ हैं, हम पैसा नहीं देंगे, ऐसा कुछ होता था। जो बीजेपी के राज में जो सबसे बड़ी चीज़ जो हर दूसरे आदमी ने यहाँ पर बोली है, वो है लॉ एंड ऑर्डर, जो कि बहुत ही मजबूत हुआ है बीजेपी की सरकार में, और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है चुनाव के लिए, इसलिए ये बहुत बड़ी चीज़ मानी जा रही है। और खासकर असद का एनकाउंटर भी हुआ है, तो वो चीज़ें भी जुड़ जाती हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर।